फरहान और आज मैं मौजूद हूँ आयशा मंजिल में। और यहाँ पर एक हमने रेस्टोरेंट गुजरते हुए देखा जो अर्शी की गली के अंदर है। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है खालो, जैसे ये जो है सामने से अर्शी की गली आ रही है और ये जो है यहाँ पर है खालो रेस्टोरेंट। तो आए ज़रा देखते हैं अंदर कि यहाँ पे किचन का तो मामला इनका माशाल्लाह बहुत। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैं डायरेक्ट ये भी अंदर आया हूँ, बिल्कुल माशाल्लाह साफ़ सुथरा क्लीन किचन है इनका। मैं आपको चूल्हे का भी एरिया दिखाऊं, बिल्कुल माशाल्लाह साफ़ सुथरा। दोनों शेफ्स ने जो है वो प्रॉपरली कैप्स पहनी हुई है। आज मेरे साथ है, तो आज हम लोग दोनों जो है वो खालो रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। तो फिर इनका मेन्यू देखते हैं। आपने पानी पीने शुरू कर दिया भी जी? अभी पानी बना, पहले पेप्सी पी चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, चलें फिर बैठते हैं, देखते हैं इनका मेन्यू। ये कौन सी सॉस है? ये सिराचा सॉस है। ये सिराचा सॉस है। अच्छा, ये हमारे पत्ते, हमारे पत्ते लेके जाना। जूसी और टेंडर मशरूम। ये बारबेक्यू सॉस है? जी, ये बारबेक्यू सॉस है। बर्गर जो है तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि सॉस बाकायदा ड्रिप कर रही है। लोडेड है। ये कौन कौन सी सॉस डाल रहे हो? ये हमारी मायो गार्लिक सॉस। मायो गार्लिक। अच्छा, ये आ गई चिकन, एलिपेनोस आ गए। ये स्पाइसी सॉस है। अच्छा, ये स्पाइसी सॉस है। ओए होए होए होए, ये सिराचा टाइप स्पाइसी सॉस लग रही है, लेकिन इनकी अपनी ये बनाई हुई है। ये हमारी एनर्जी। अच्छा, फ्राइज भी होते हैं इसमें? वाह वाह वाह। और ये मायो गार्लिक दोबारा से, क्या सॉसी है भाई। अच्छा, तो बीफ बर्गर और शोरमा आ गया है, तो आप बीफ बर्गर देखें, इसके ऊपर हनी मस्टर्ड सॉस है, हनी मस्टर्ड सॉस है। बर्गर का आप सर्विंग का स्टाइल देखें, और बनते हुए तो हमने दिखाया मगर एकदम जूसी हुआ हुआ है माशाल्लाह। और इसके साथ एक केचप, और ये शोरमा है, उसके भी फ्राइज के साथ हनी मस्टर्ड सॉस है, और ये शोरमा है, एकदम जूसी हुआ हुआ है। इसको मज़ीद नहीं खोला जा सकता, अगर आप देखें तो इसके अंदर एकदम लोडेड है। तो इसको खाते हैं फिर आपको बताते हैं। सीन आज बहुत ज़बरदस्त ऑन है। अच्छा, तो बड़ा ही डिफरेंट किस्म की पैकिंग है ताकि हिले नहीं अपनी जगह से। इसके ऊपर एक ओलिव रखा हुआ है, मजे का। ओलिव तो खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा भाई, ये है बीफ बर्गर, बड़े ही देखें तरीके से रैप किया हुआ है। चेक करें, सॉस ड्रिपिंग है एकदम। लेट टेस्ट, आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गिफ्ट खोल रहा हूँ।
ये तो हाथ से ही जा रहा है, तो चलें। सॉसी है ना, तो स्लिप हो रहा होगा। स्लिप हो रहा है, हाँ, स्लिपी स्लिपी। चलें पहले ट्राई करते हैं। ये मैंने उल्टा पकड़ लिया, अब मैं इसको मूव नहीं कर सकता। अगर मैंने मूव किया तो ये, अगर ये मैंने इसको मूव किया तो ये जाएगा, तो मैं इसको पहली बार ज़िंदगी में ये उल्टा बर्गर खाऊंगा, मगर खा लेता हूँ। जबरदस्त, पहले बाइट में इसने काम कर दिया सारा। ये जो इन्होंने इसमें प्याज डाली है ना, ये अलग ही टच दे रही है, इसने गेम ही बदल दिया एकदम। चलें शोरमा ट्राई करते हैं। ये आज जो है ना गेम सारा जूस पे अटका हुआ है, फ्राइज और एकदम आप देखें गया। चलें ट्राई करते हैं, इसको बताते हैं आपको। ऐसा लग रहा है कि सॉस और चिकन की जो है ना बेहतरीन दोस्ती हो गई, एकदम अंदर मिक्स हो गया उसके साथ जाके, और बड़ा ही लाजवाब टेस्ट आ रहा है इसका, और बेहतरीन किस्म का, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अच्छा ये जो हनी मस्टर्ड सॉस वाले फ्राइज़ हैं, हम तो हमेशा मायो गार्लिक के साथ चल रहे होते हैं, तो आज ये जो है ना हनी मस्टर्ड ट्राई करते हैं कि कैसा लगता है फ्राइज़ में। काफ़ी डिफरेंट है और टेस्टी है, अच्छा लग रहा है हनी मस्टर्ड सॉस के साथ ही। इन्होंने बीफ बर्गर और शोरमा जो है निपटा दिया है, और बहुत ही इनका बीफ बर्गर का इनका टेस्ट बहुत ही एलीट है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत यूनिक है। आपको इनका बीफ बर्गर लाजमी एक बार ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ की लोकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप फटाफट से यहाँ पहुँचें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी थोड़ा सा पुश कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। इट वॉज ओवर द मून, आई जस्ट लव इट। फर्स्ट टाइम मैंने खाया है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। यही अर्शी पर मैंने सिंगर डील खाई है इनकी, 320 रुपये की। हाँ 320 रुपये की खाई है मैंने डील इनकी सिंगर की, और 320 रुपये में वर्थ इट है। कोल्ड ड्रिंक भी है, फ्राइज भी हैं, इनकी सॉस भी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो आप इसको रिकमेंड करेंगे? हाँ, आई विल रिकमेंड इट। थैंक यू।